यही कहेंगे कि इम्फा में अब तक जो चीज़ें नहीं हो पाई हैं अब उसको होना चाहिए, और जो बेसिक प्रॉब्लम प्रोड्यूसरों की रही है वो रही है कि अभी तक हमारे पास सिनेमा नहीं है, सिंगल स्क्रीन हो चुका है, सिंगल स्क्रीन के अंदर हमको फिल्में रिलीज़ करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जैसे बॉडी हमारी आती है, वैसना ग्रुप आता है और एक बार हमारा पूरा पैनल आ जाता है, तो इस पैनल के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं कि सिनेमा हॉल्स के अंदर जो है पिक्चरें, जैसे महाराष्ट्र के अंदर कंपलसरी है कि आप अपनी फिल्मों को, रीजनल फिल्मों को एक सिनेमा हॉल मिले, वैसे हमारी ये भी कोशिश है कि हम यूपी के चीफ मिनिस्टर और बिहार के उन झारखंड में सबको मिलें, उन लोगों को, और मिल के ये कहें कि हमारी फिल्में जितनी खूबसूरती से बनाई जा रही, जो बजट लगाया जा रहा है, प्रोड्यूसरों का जो लागत लग रहा है, निकलेगा कैसे, तो निकालने के लिए सिनेमा हॉल का होना ज़रूरी, यानी जैसे महाराष्ट्र का जो सिस्टम है उसी सिस्टम के तहत से वहाँ पर भी कंपलसरी किया जाए कि एक, कम से कम एक स्क्रीन कंपलसरी हमारे लिए भोजपुरी के लिए हो, और जो भी रीजनल फिल्में वहाँ पर जाती हैं या रिलीज़ होती हैं उनके लिए कंपलसरी होना चाहिए। इसके ऊपर 100% देखिए, जब तक आप अकेले अगर कोई बात करने जाते हो तो शायद ना ही कोई सुन पाए, लेकिन इम्फा अपने आप में एक बॉडी है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, यानी इम्फा जो जितने प्रोड्यूसर्स हमारे हैं वो जब वोट करते हैं, किसी एक पैनल को चुनते हैं, कोई एक आपका चेयरमैन बनता है वहाँ का, तो इसका मतलब होता है कि सबने अपना मत दे दिया, सब आपके साथ हैं, सबने हाथ से हाथ मिला लिया, तो हम सबका जो जैसे सारे प्रोड्यूसर्स आज की तारीख में चाह रहे हैं कि ये जो बॉडी है अभय सिन्हा जी की, जो ये ग्रुप है, ये जीत के आए, और एक बार जब वो चेयरमैन बन के आते हैं और पूरा ग्रुप, और चूंकि सारे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, इसके अंदर हर लोग अपने अपने विधा के, इवन प्रोडक्शन के सब मास्टर हैं, सब ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, सिनेमा को और चीज़ों को बदलने का वो लोगों के अंदर मादा है, ताकत है उनके अंदर कि बदल सकते हैं सिनेमा की चीज़ों को, तो अब यही चाहिए, और जब प्रोड्यूसर बदलाव लेकर आएगा तब बेसिक बदलाव आ पाएगी चीज़ों के अंदर, तो ऑलरेडी प्लानिंग में है। और जैसे हम लोग देखिए, जब डायरेक्टर एसोसिएशन में भी आए तो इफ्टा को बहुत बेहतर तरीके से चेंज किए हैं, आज लगता है कि आप डायरेक्टर एसोसिएशन के अंदर घुसते हो तो लगता है कि नहीं, इसी तरह हम लोग इम्फा बॉडी को भी प्रोड्यूसरों की जो डोर टू डोर जाने का जो दिक्कत रही है, कोशिश किया जाएगा कि सारे एक साथ हों, हाथ से हाथ मिला के और आगे बढ़ें और अपने सिनेमा को और आगे लेकर जाएं, इंडस्ट्री को और आगे लेकर जाएं।